बारामूला के चकलू इलाके की बात करें जहाँ पे इस वक्त इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है शुरू किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी अभी थोड़ी देर पहले आया है और बाजाबा तौर पर यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन वालों ने जो बारामूला के चकलू इलाके की हवाले से बात करें क्योंकि यहाँ पे ये जो दुकान है जो अराजी जमीन है हालांकि यहाँ से ये हटाने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है मुकामी लोग भी पहुँचे और इंतजाम है कि जो अलाब सरान वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं रेवन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ चाहे हम तहसील इंतजाम की बात करें या दीगर जो महकमे जात के अफसरान हैं वो आप देख सकते हैं इन बिजवालों में। फिलहाल आपको दिखाएं ये आप देख सकते हैं बारामूला चकलू से ये मनाजिर और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो तजावजात जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे जो ढांचे खड़े किए गए हालांकि इसको डिमोलिश किया गया। आप देख सकते हैं ये जो दुकान के बीच वाले आप देख सकते हैं और इस यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं बड़े तादाद में जो है मुकामी लोग भी यहाँ पे आए हैं और आप देख सकते हैं इन विजवालों में किस तरह यहाँ पे लोगों की काफ़ी कसीर तादाद जो है इस वक्त देखी जा रही है। जो मनाजिर आप देख सकते हैं बाजाबता तौर पर बारामूला चकलू इलाके से ये मनाजिर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये जो ड्राइव स्टार्ट किया गया एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ रेवन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और इसके साथ साथ देखा जाए तहसीलदार बारामूला वो भी यहाँ पर आए हैं और बाजाबता तौर पर इस वक्त ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी है। हालांकि बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे आज जो है ये ड्राइव चलाया गया आज के दिन पर इन विजवालों में आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है मुकामी लोग भी यहाँ पे इस टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और लोगों की कसीर तादाद आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ये जो यहाँ पे एंट्री एनक्रोचमेंट ड्राइव ये शुरू किया गया यहाँ पे तहसील इंतजाम के साथ साथ चाहे हम रेवन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस और इस वक्त ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी है क्योंकि बारामूला के साथ साथ चाहे हम दीगर जिलों की बात करें चाहे हम बांडीपोरा पाटन या श्रीनगर या इसके साथ साथ साउथ कश्मीर के कई इलाकों में जो है आज ये ड्राइव चलाया गया। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है इस वक्त लगातार जारी है ये आप देख सकते हैं रेवन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहां पे आई है और बाजाबता तौर पर ये जो कार्रवाई है ये इस वक्त लगातार जारी है। बारामूला चकलू से ये लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड पे ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स क्योंकि आज दिन भर ये जो ड्राइव चलाया गया इंतजाम की तरफ से चाहे रेवन्यू डिपार्टमेंट चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हर एक ज़िले में जो है इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्टेशन ऑफिसर हैं SHO या तहसीलदार की बात करें वो भी यहाँ पे मौजूद हैं स्पॉट पे
एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इस वक्त लगातार जारी है शुमाली कश्मीर के बारामूला के साथ साथ चाहे हम दीगर ज़िलों की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं इस लाइव फीड पे चकलू बारामूला से आप ये मनाज़िर देख सकते हैं गुलिस्तान न्यूज लाइव फीड पे। लोगों की कसीर तादाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये आप देख सकते हैं लाइव विजुअल स्क्रीन है बारामूला के चकलू इलाके की बात करें जहां पे ये ड्राइव जो है इस वक्त पर चल रहा है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो है यहां पे लोग भी सामने आए हैं। और देखा जाए मुख्तलिफ अजलाओं की बात करें जहां पे आज ये ड्राइव चल रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, चाहे तहसील इंतज़ामिया की तरफ से आप देख सकते हैं ये जो बताया जा रहा है ये आप खाली कर लो। हालांकि ये जो लाइव मनाजर आप देख सकते हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड से चकलू बारामूला से आप ये विजुअल देख सकते हैं, क्योंकि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इस वक्त लगातार जारी है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीन को जो है खोलने की कोशिश की जा रही है, इस शेड को खाली किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चाहे हम दुकानों की बात करें, जो भी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर
जो तजावजात यहाँ पे बनाए गए, हालांकि उसको इस वक्त डिमोलिश किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से। बराए रास्ता आप ये विजुअल देख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पिछली दफ़ा ये जो ऑर्डर निकाला उसके बाद जो है यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो लोगों की कसीर तादाद जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो मनाजर हैं वो आज दिन भर देखने को मिले। बारामूला के साथ साथ चाहे हम दीगर अजलाओं की बात करें, बांडीपोरा, चाहे हम साउथ कश्मीर या श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है आज ये ड्राइव चलाया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दीवार है इसको भी अभी थोड़ी देर पहले जो है गिराया गया, और यहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे जो तजावजात यहाँ पे खड़े किए गए हैं हालांकि उसको भी हटाया गया। तहसीलदार बारामूला के निगरानी में ये हो रहा है और ये जो ड्राइव चलाया जा रहा है। आप विजुअल्स देख सकते हैं। कल उशकुरा के इलाके में तकरीबन 30 कनाल जो आराजी ज़मीन है उसको फ़िलहाल इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामिया ने अपने तहवील में लिया। उसके बाद जो है कांडबाग के इलाके की बात करें वहाँ पे भी तकरीबन 10 से 12 कनाल जो आराजी ज़मीन है वो निकाली गई। इसके साथ साथ जटी इलाके की बात करें वहाँ पे तकरीबन 10 कनाल से ज़्यादा वो निकाली गई। इसी तरह हर एक अजला में, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें या साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि इंतज़ामिया अब मुतरद हो चुकी है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ तहसील इंतज़ामिया, चाहे हम एलजी इंतज़ामिया, ये आप देख सकते हैं आर्डर निकालने के बाद ये जो ये आप लाइव विजुअल देख सकते हैं। बारामूला चकलू से ये जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे ढांचे खड़े किए गए थे, जो दुकानें बनाए गए थे, हालांकि उसको यहाँ पे डिमोलिश किया गया। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तहसीलदार बारामूला, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर,
सर आपका खैर मकदम है लाइव फीड में, आप ये बताएं क्या ये ड्राइव लगातार जारी रहेगा? जैसे हमने कल भी बोला था ये ड्राइव कंटिन्यूसली रहेगी, जिसके पास भी ये घास चराई स्टेट लैंड होगी वो खुद ही हटाए, तो हमें मजबूर ना करे जो आज हमें करना पड़े। तो आज कितनी जमीन यहाँ से निकाली गई? वो शाम को हम कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं ये थे तहसीलदार बारामूला किफ़ायत अली, इन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, तो इनका ये कहना फिलहाल जो है ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड के साथ। सर सी निकल आ देले ठीक कर।